जय माता दी। स्वागत है गाइस आप सभी का। और भाई वैष्णव देवी, जी हाँ माता रानी, जो मेन केव है, जो दर्शन करने वाला आज हम माइनक्राफ्ट के अंदर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बट पहली बात की, प्रीवियसली मैंने खुद ने जो बनाया था ना वैष्णव देवी, वो अगर आपने नहीं देखा है, जो बहुत पहले मैंने डाला था उसके ऊपर एक वीडियो और बनाया था माता रानी का, तो यस उसका लिंक है ऊपर आई बटन में, तो ज़रूर से देखिए। डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक, तो डू चेक इट आउट। और ये है अपग्रेडेड मैप जो कि बाई देवाशीष, एंड भाई ये देखो एकदम रियलिस्टिक की तरह ही बनाया है, ठीक है, एंड डू चेक इट आउट गाइस। तो ये भी काफ़ी बढ़िया बनाया है, तो मैंने सोचा चलिए अपग्रेडेड वर्जन है तो आपको ज़रूर से दिखाऊँगा। एंड ऊपर भैरव मंदिर भी है, भैरवनाथ का, तो वहाँ पे भी दर्शन करवाऊँगा। और पहली बात, कौन कौन विज़िट किया है ज़रूर से बताना, साथ ही में जय माता दी ज़रूर से लिख दो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो लेट्स गो, शुरू करते हैं हम हमारी यात्रा का प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले ये बेस जहाँ से ऊपर चढ़ाई करनी है, जय माता दी यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन चेक इट आउट। हाँ रियल से थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकता है, बट माइनक्राफ्ट के हिसाब से ना गाइस इट इज़ अमेजिंग, ठीक है भाई। और यहाँ पे जो द्वार है जहाँ से एंटर हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, ठीक है भाई। और ये रहा गेट, तो यस यहाँ पे आपको सी लैंटर्स दिखेंगे बिकॉज यू नो टू गिव सम काइंड ऑफ लाइट स्टफ़। बाकी अच्छा है। और गाइस एक और सरप्राइज़ है, रॉब्लॉक्स में केदारनाथ बन रहा है, प्रोग्रेस ऑन द वे है, ठीक है। ये रहा मेड बाय देवाशीष, तो गाइस ये बंदे ने बनाया है, काफ़ी सुंदर बनाया है भाई, मैं तारीफ़ करूँगा, एंड 100 में से 1000 मार्क्स बिकॉज ही मेड वेरी वेरी गुड, यू नो काफ़ी बढ़िया बनाया है। हम जाएंगे ऊपर ट्रैक करते करते, और बड़ा वीडियो होने वाला है, तो होपफुली आप सब पूरा देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो सबसे पहले तो यात्रा पर्ची सेंटर 1 एंड 2, ये रहा, यहाँ से हम ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमने ले लिया है, और अब यहाँ से आगे बढ़ा जाएगा, ये है बाण गंगा ब्रिज आएगा आई गेस, और वे टू ऊपर जो मंदिर है, ठीक है, ये है बाण गंगा ब्रिज, ऊपर बाण गंगा मंदिर भी है जहाँ से गंगा जी प्रकट हुए थे, जो स्टोरी है मैं बाद में बताऊँगा। फर्स्ट लेट्स गो, ऊपर चलते हैं जल्दी जल्दी फटाफट, और माता रानी के दर्शन करेंगे, ठीक है। काफ़ी सुंदर है भाई, और जिसको स्टोरी नहीं पता ना भाई फुल, मतलब मैं थोड़ी थोड़ी बताऊंगा, उतना पूरा नहीं, वैष्णो देवी माँ की सीरियल है, ज़रूर से देखिए भाई, बहुत अच्छे से उसमें ना सारी चीज़ें माता रानी की समझाई है, उनका प्रागट्य कैसे हुआ, जो त्रिदेवी है उसकी उनकी ही शक्ति से जो है संचालित है, ठीक है, साथ में नारायण की भी, तो यस तो ये बात है। और ऊपर हम आते हैं, तो मैंने जो बताया था ना आपको कि बाण गंगा जहाँ पे हनुमान जी महाराज ने जो मतलब कन्फर्मेशन के लिए कि यही है देवी माँ या कोई माया है, तो जो राम भगवान का जो धनुष था और जो बाण था उससे यहाँ पे गंगा जी प्रकट किए थे माता रानी ने, तो ये बाण गंगा है। तो यस ये बाण गंगा यहाँ से प्रकट हुई है, और यहाँ पे साक्षात माँ गंगे का ये है सानिध्य, और यहाँ से जो नीचे जा रहा था वो बाण गंगा ब्रिज जो नीचे आपने देखा वो, ठीक है। तो ये है ऊपर बाण गंगा, और अब यहाँ से ऊपर जाना है ट्रैकिंग करते करते, एंड दर्शन करेंगे माता रानी के, ये रहा बाण गंगा लिखा हुआ है, ठीक है। एंड अब चलते हैं गाइस ऊपर, और माता का बुलावा है तो जाना तो पड़ेगा ही, और इनका बुलावा नहीं आता तो कोई जा भी नहीं सकता, और अगर पहुंच भी गया तो दर्शन नहीं होंगे, ठीक है, तो इनके बुलावे के बिना तो संभव ही नहीं। और ऊपर है अब जो मंदिर, ठीक है, ये यहाँ पे 5 किलोमीटर दिखा रहा है वैसे, तो यस चलिए फटाफट चढ़ते हैं। और एग्ज़िट ये जो है, ये रास्ता देख रहे हो नीचे जा रहा है, तो दो रास्ते हैं अल्टर, ठीक है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है, एंड काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बट जब तक माता का बुलावा नहीं तब तक दर्शन नहीं, तो ये चीज़ है क्या। और भाई गाइस ज़रूर से लाइक कर देना, ठीक है,
और भाई सब्सक्राइब भी कर देना गाइस, जो भी बंदे चैनल पे नए हैं ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। नीचे का व्यू यहाँ से दिख रहा है काफ़ी बढ़िया, ठीक है भाई, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। और फिर से एक बार पुराना वर्जन जो है माता रानी वाला, जो वैष्णो देवी का, वो नहीं देखा है तो मैंने पहले भी बताया, लिंक दिया हुआ है, वो ज़रूर से चेक कीजिए। ये ज़रूर से अपग्रेडेड वर्जन है, बट वो वाला वर्जन तो भाई वो वर्जन ही अलग था अपना। एंड यस डेफिनेटली आई लव दिस एज वेल। और भाई ये आ चुके हैं हम जो कुंवारी मंदिर है, अर्ध कुंवारी मंदिर, वहाँ पे हम आ चुके हैं आई गेस, हाँ यही है। और यहाँ से देखे दन ऊपर, अभी भी जाना है, बहुत ऊपर जाना है दर्शन के लिए। और यहाँ पे एक और काउंटर था, मैं दिखाना भूल गया आई गेस, हाँ ये रहा गुफा दर्शन पर्ची केंद्र। नीचे से हमने यात्रा की पर्ची ली थी, यहाँ से गुफा की पर्ची लेनी है। और यहाँ से अब ऊपर जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हाँ तो चलिए लेट्स गो भाई, ऊपर चलते गए इस जय माता दी। और बीच बीच में ना यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि कलर कॉम्बिनेशन है, ये भी ऑलमोस्ट रियल की तरह ही है, तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे क्या है, गेस्ट रूम वगैरह है क्या, ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने विज़िट नहीं किया है भाई। जिसने भी किया है ज़रूर से बताना इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, ज़रूर से बताना। और यहाँ पे देखो पूरा स्नो वगैरह भी आपको दिख रहा है, जो स्नो के जो है जम गए हैं, ठीक है, बर्फ़ पूरा। और ये भी काफ़ी चीज़, और ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है, आयरन बार्स फॉर द प्रोटेक्शन, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। गेम की हम बात करें देन, और ऊपर जो है ऊपर भी आपको मतलब आपके ऊपर कुछ गिरेगा नहीं, बर्फ वर्फ एंड दैट ऑल। यहाँ से देखो भाई नीचे क्या ही सुंदर दिख रहा है, क्या ही सुंदर दृश्य। और ये देखो यहाँ पे देखो, ये पार्ट भी काफ़ी बढ़िया था। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं सीन, रुको गाइस, थोड़ा बाहर जाके देखेंगे, इट विल लुक प्रीटी गुड। ऊपर से देखो पानी आ रहा है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और माउंटेन है पूरा स्नो, स्नो से फुल है, ऊपर का जो जो पार्ट है ना वो पूरा स्नो से फुल है, तो लुकिंग गुड, ठीक है। और अब चलते हैं यात्रा को आगे बढ़ेंगे, जय माता दी, लेट्स गो भाई। अब आई गेस थोड़ा ही बचा है, ज़्यादा नहीं है ट्रैकिंग, थोड़ा ही बचा है। और हाँ गाइस एक और चीज़ की केदारनाथ फिर हम ट्राई करेंगे कि और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लाए इन रॉब्लॉक्स एज वेल, ठीक है, जैसे एकदम आपको रियलिस्टिक लगे। देखो माइनक्राफ्ट में तो हमने सारी चीज़ें बना दी है ऑलरेडी मोस्ट प्रोबेबली, तो ज़रूर से कोशिश किया जाएगा और भी माइनक्राफ्ट में बड़े प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स आए। और साथ ही में ना, और ये देखो वे टू भवन और 5 किलोमीटर्स, तो यस, तो कोशिश करेंगे कि भाई और भी यू नो कुछ नया बनाएं। तो यार ज़रूर से कमेंट करो कि क्या देखना चाहते हो आप लोग ऑल्सो, साथ ही में यू नो कि मैं तो बना ही रहा हूँ अपने हिसाब से, बट आप लोग भी कमेंट किया करो। फिर ये नहीं कि कई बंदे कैसे कि भाई सिर्फ ये वीडियो पे आके कमेंट कर दे, मेरे पहले के भी वीडियोस देखो, आपको पता चलेगा कि मैंने वो चीज़ बनाया है कि नहीं, फिर कमेंट करो, ठीक है। बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो ऑलरेडी आई हैव मेड इट, वो सारी कमेंट्स होती है आप लोगों की, तो ये भी एक चीज़ है। और यहाँ से दो रास्ते देखो, एक तो नीचे की तरफ जाता है, एक ऊपर की तरफ जाता है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे नीचे स्टे है, और ये देखो भाई क्या ही खूबसूरत है, काफ़ी बढ़िया बना है। तो ये नीचे देखो, और ये पूरा जो है आ चुका है, अब बस दर्शन ही है माता रानी के, तो लेट्स गो भाई, चलिए चलते दर्शन करेंगे। और बहुत ज़्यादा सुंदर है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएंगे वापस, तो भाई लाइक कर देना। एंड ऑल्सो वंस अगेन राइट, जय माता दी। अब यहाँ पे भी दो एरिया है, एंड यहाँ से लेफ्ट लेते ही माता रानी के अब दर्शन होंगे, यहाँ पे दर्शन द्वार भी आपको दिखेगा, प्रसाद सेंटर भी है इधर, ओके, ये रहा माता दर्शन और दर्शन द्वार, वो द्वार जहाँ पे श्रीधर को दर्शन दिए थे, उसको दर्शन द्वार वैसे कहा जाता है, राम मंदिर। और वहाँ पे ना भक्तों को ज़रूर अनुभूति होती है माता रानी की। और भाई बहुत सारी स्टोरीज है, बट सारी बताना इट्स ऑलमोस्ट यू नो नॉट पॉसिबल हियर, तो यस
और यहाँ पे स्कैनिंग वगैरह एंड दैट ऑल लैब। ये आ चुके हम केव के पास। अब यहाँ पे न्यू केव लिखा है, बट आई डोंट नो कि नया गुफा बनाया गया है रास्ता कि क्या है, बट यस केव है तो मैं ज़रूर से दर्शन करवाऊँगा, ठीक है। और यहाँ से देखे देन भैरव नाथ का जो मंदिर है, जो भैरव मंदिर है वो ऊपर है, ये एकदम सीधा चढ़ाई है, तो ये भी मुश्किल है, लेकिन वहाँ पे भी हम जाएंगे। यहाँ से चलते हैं माता रानी के दर्शन करने गुफा में, और काफ़ी अच्छा बनाया है मैं तो यही कहूँगा। हाँ एफर्ट्स लगते हैं, देखो आपको अगर कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती है वो अलग बात, बट एफर्ट्स लगते हैं भाई, तो डू डू हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज भाई जिसने भी बनाया, देवाशीष मेड प्रिटी गुड। ये माता रानी के दर्शन कर लीजिए, जय माता रानी जय माता दी, ठीक है भाई। तो एफर्ट्स लगते हैं गाइस, आपको लगता है कि यू नो जस्ट जस्ट बनाना इट्स अ कप ऑफ टी, तो भूल जाओ, कप ऑफ टी भी ऐसे नहीं बनता, तो ये तो खैर बड़ा प्रोजेक्ट होता है, इट्स टू टफ टू मेक। जो बनाता है उसको पता होता है कितना एफर्ट लगता है, कई बंदे बोलते हैं कभी यू नो इसने ये किया इसने वो किया, बट भाई पहले खुद बनाओ, पता चल जाएगा आपको कि कितना मेहनत लगता है। और ऊपर यहाँ से देखो, ये रहा भैरव टेम्पल, और भैरवनाथ की भी कथा है जो जो माता रानी की है, वो तो मैं नहीं बताऊँगा अब, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पे दर्शन अनिवार्य है और परिक्रमा अनिवार्य भैरवनाथ जी की, तभी आपकी जो दर्शन है जो यात्रा वो सफल मानी जाती है और सफल होती है तब, ऐसा वरदान भी है। तो यस एक ये भी चीज़ है। तो यहाँ से ऊपर 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 जाना है, और भैरव चट्टी है क्या, आई डोंट नो उसको क्या बोलेंगे, बट भैरवनाथ का मंदिर है ये पक्की बात। जो गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे, जो भोलेनाथ के भक्त थे, और यहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो हम तो ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं ऊपर भैरव टेम्पल पे, ठीक है, वी आर देयर ऑलमोस्ट देयर। और सीधा चढ़ाई हार्ड होता है, सेम यहाँ पे भी है, सीधा और सिंगल स्टेप चढ़ाई, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, तो हम तो पहुँच गए खैर। और ऊपर क्या है, ऊपर मेरे ख्याल से जो सिर कट के गिरा था जब माता रानी ने इनका शुद्धिकरण किया, तो जो सिर कट के गिरा था पहले परिक्रमा, तो आई गेस शायद वो स्थान है ऊपर, मे बी आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी स्टेयर्स है, तो ये चीज़ हो सकती है। आपको अगर पता है गाइस कमेंट करो, कमेंट करो फटाफट, ठीक है, तो ये ही हो सकता है मेरे हिसाब से तो। और लाइक कर देना भाई जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, ठीक है, ज़रूर से लाइक कीजिए, और जय माता दी लिखो। ये तो गाइज अब देखो, अब पूरा व्यू दिखा दूंगा, अब नहीं ट्रैकिंग, अब तो सीधा जो एग्ज़िट है वहाँ पे लेके चलूँगा। तो ये था गाइज पूरा माता रानी का, जो वैष्णो देवी का जो जो मैप है इन माइनक्राफ्ट, ठीक है भाई, ज़रूर से आप भी एंजॉय कर सकते हो इस मैप को। इफ़ यू वॉन्ट दिस यू कैन डाउनलोड फ्रॉम बिल्डिंग्स फॉर माइनक्राफ्ट ऐप, जस्ट सर्च वैष्णो देवी, आपको मिल जाएगा, एंड काफ़ी सुंदर बनाया है। वंस अगेन जिसने भी बनाया बिग क्रेडिट टू हिम, इतना मेहनत लगता है भाई, यू नो ये रास्ता निकालना बीच से, चलो माउंटेन में भी फॉर अ रीज़न कहीं से हमको मिल सकता है, बट ये सारा चीज़ बनाना इट्स नॉट ईजी, बिकॉज आई नो मैंने इतने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो डेफिनेटली इट वुड टेक टाइम एफर्ट्स एंड एवरीथिंग। तो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बढ़िया। और ये रहा एग्जिट का रास्ता जो मैं बता रहा था कि अलग है, अब ऊपर हम यहाँ से आए, अब राइट से तो क्या होगा, इट विल डिवाइड द पीपल यू नो, तो भीड़ भी उतना नहीं रहेगा। हाँ डेफिनेटली भीड़ रहता है उधर, बट जो मतलब जो जो कॉपरेशन है वो अच्छे से होगा। तो ये एग्जिट का है, ये भी एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है वहाँ पे कि आप अच्छे से ना माता रानी के दर्शन कर सकते हो, यात्रा कर सकते हो, तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एंड आई गेस आजकल शायद वहाँ पे रोप वे बन गया है फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिस्टेंस, बट उसका अभी तक मेरे पास मैंने गूगल पे भी नहीं देखा है, क्योंकि मेरे पास यू नो ड्यू टू दिस वीडियो आई डिडेंट चेक डिड आउट, तो ठीक है कोई बात नहीं, बट मुझे जहाँ तक पता है। और ये रहा एग्ज़िट का रास्ता, तो काफ़ी सुंदर बना है एंड काफ़ी अच्छा बना है, काफ़ी रियल की तरह कोशिश किया है, एंड 100% एफर्ट दिया गया है ऐसा लग रहा है। तो यस गाइस ज़रूर से लाइक कीजिए मेरे भाई, और बताओ कैसा लगा इन द कमेंट सेक्शन। वंस अगेन जय माता दी ज़रूर से लिखिए, आई नो बड़ा वीडियो हो गया है, बट
यहाँ पे देखो भोजन की व्यवस्था, फूड स्टॉल्स, माता रानी के यहाँ तक कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाता। माता रानी के भंडारे में सबको प्रसाद प्राप्त होता है। और ये देखो काफ़ी सुंदर, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। और ये वहाँ तक हम पहुँच गए जहाँ से हमने हमारी यात्रा शुरू की थी, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी, ये स्टेयर्स, तो यही है। तो यस गाइस, बताओ यार कैसा लगा इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है भाई। होपफुली आप सबको पसंद आया होगा एंड ये काफ़ी सुंदर भी दिख रहा है। तो ऐसे ही बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ और मिलूँगा। एंड ऑल्सो कमेंट करना गाइस, जय माता दी, ठीक है। मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी।